नमस्कार, मैं सुनीता अपने चने इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काले चने की सब्जी की रेसिपी, जो बहुत इजी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप पूरी के साथ खाओ, पराठे या रोटी या चावल जिसके साथ भी खाओगे, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। यहाँ हमने 250 ग्राम काले चने को सुबह भिगो दिया था और फिर धूप में रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। इन छोलों को 6 से 7 घंटे के लिए भिगोना ज़रूरी है। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। छोले जल्दी उबल जाए उसके लिए डालेंगे 1/4 चम्मच ये खाने वाला सोडा है, इससे छोले हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब कुकर को बंद कर देते हैं। यह हमने कुकर को बंद कर दिया है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और उसके बाद कम से कम 15 मिनट तक हम धीमी आँच पर ही अपने छोलों को पकाएँगे। यह हमारा कुकर ठंडा हो गया। हम अपने चने चेक कर लेते हैं। हमारे चने अच्छे से उबल गए। अब इन चनों में से कुछ चने हम निकाल देते हैं। और इनको ठंडा होने के बाद या तो पोटैटो मैशर की सहायता से इनको तोड़ लेंगे या फिर मिक्सी में एक बारी से घुमा लेंगे। यहाँ हमने 2 प्याज को पीस लिया है और यहाँ हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची को भी पीस लिया है। साथ में 2 टमाटर को हमने पीस के ले लिया है। अब चलते हैं हम अपनी सब्जी बनाने की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डाला है हमने 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है। हम डाल देंगे इसमें अपने तेज पत्ते, थोड़ी सी हींग, कुछ खड़े मसाले और 1 चम्मच जीरा। इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। जीरा हमारा भुन गया। अब डाल देते हैं हम पिसी हुई प्याज। और इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। पिसी हुई प्याज पिसने में थोड़ा टाइम लगाती है, पर आप लगातार इसको चलाते हुए ही इसको भूनें, नहीं तो कहीं से प्याज ये जल जाएगी और कहीं ये कच्ची रह जाएगी। इसलिए लगातार चलाते हुए हम अपने प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से भुन गई है। अब डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची जो हमने पीस के रखी है, और उसको भी इसी के साथ और भून लेते हैं। अब डाल देंगे हम टमाटर। गैस धीमी कर देते हो। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हमने हरी मिर्ची डाली थी इसलिए लाल मिर्ची कम डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि हमने उबालते समय चनों में भी नमक डाला था। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। मसाला नीचे लगे नहीं और अच्छे से भुने, उसके लिए हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं।
हमारे मसाले को पकते हुए 3 मिनट हो गए मीडियम आंच पर। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, उसने तेल भी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं किनारों पे से। अब डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी इस तरह से हाथों से मसलते हुए, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इस मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे अपने चने, और इसको मसाले में भून लेंगे। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे बिल्कुल। अब हम वो चने डाल देंगे, हमने मिक्सी में से थोड़ा सा घुमा लिया था। मिला देते हैं। मिक्सी की जार में थोड़ा सा पानी डालकर मैं डाल देंगे। अब जो चने का पानी है वो पानी भी इसमें हम डाल देंगे। आपको जितनी गाढ़ी या जितनी पतली रखनी है उतना आप पानी डाल सकते हैं। अब हम इसको ढककर मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। गैस कर देंगे हम बंद। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है, कितनी अच्छी बनी है। और भी अच्छा बनाने के लिए हम इस पर तड़का लगा देते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने तड़का पैन में 1 चम्मच तेल डाला। तेल को हम गर्म होने देंगे पहले। तेल हमारा गर्म हो गया, गैस कर देंगे हम बंद और इसको उतार लेंगे चूल्हे से। तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो गया। अब डाल देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसको अपनी सब्जी में डाल देंगे। हम ढक देंगे। अब हम अपनी सब्जी दिखाते हैं आपको। हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है। ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी और बनती भी बहुत आसानी से है। तो एक बारी इस तरह से ट्राई ज़रूर करें।